तुम ऐसे रोती हो ना, मेरे दिल को इतनी खुशी मिलती है, इतना सुकून मिलता है, आई जस्ट कांट एक्सप्लेन। पर आज तुमने मुझे बहुत खुश किया है, तो इसलिए मैं तुम्हारी बात मान लेती हूँ। तुम्हारी मॉम बहुत अच्छी है, उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे लड्डू बनाए हैं, वो किसी को मारना नहीं चाहती है, ना शर्लिन को ना उसके बच्चे को। प्लीज प्लीज एक सेकेंड मायरा, अब तुम ये मत बोलना कि जो इल्जाम मैंने इसकी माँ पर लगाया वो गलत है। 100% सही है। शहर वाले लड्डू तो खाए ना मैंने। प्रीता, इतना तो मानना पड़ेगा ना, हम दोनों का प्लान बहुत अच्छा है। एक्सक्यूज मी, दोनों का नहीं, तीनों का। ओ यस, तीन। अब तुम ये सोच रही हो कि तीन कौन, राइट? एक हो गई माहिरा, एक हो गई शर्लिन, और तीसरा, तीसरा मेरी मॉम। हाँ हाँ, मैं तैयार हूँ। किसके लिए तैयार हो, क्या कह रही है मॉम? मॉम, ऐसा आपने क्या कहा है इससे? इसने हाँ तो कह दी, लेकिन ये इतना ज्यादा डरी हुई है। माहिरा, मैंने शर्लिन से जो करने के लिए कहा है वो करने से पहले शर्लिन तो क्या, दुनिया की कोई भी माँ ऐसे ही कांप जाएगी। But I'm a bit surprised, in fact shocked, कि वो इतनी जल्दी मान गई ये करने के लिए। इसका सीधा सा मतलब ये है कि वो उस प्रीता से बदला लेने के लिए कुछ भी कर सकती है, यानी कि कुछ भी। वो प्रीता से इतनी परेशान हो गई है कि उससे बदला लेने के लिए वो अपनी जान खतरे में डालने के लिए तैयार। और खाली अपने ही नहीं बल्कि अपने होने वाले बच्चे की भी, वो बच्चा जो अभी इस दुनिया में आया भी नहीं। क्या बोल रही है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, साफ साफ बोलिए ना। शर्लिन क्या बोल रही है मॉम, क्या कहा है तुमसे? मुझे शहर वाला लड्डू खाने के लिए बोल रहा है। मॉम ये क्या क्या बोल रही है, वो लड्डू खाएगी तो वो मैं। रिलैक्स मायरा, इतना हाइपर होने की जरूरत नहीं, रिलैक्स। मैंने कहा था अगर वो जहर वाला लड्डू खाएगी तो वहाँ डॉक्टर भी तो है ना, ये वो संभाल लेंगे। और लड्डू में जहर इतना भी ज्यादा नहीं है कि जिससे किसी की जान चली जाए या शर्लिन के होने वाले बच्चे को नुकसान हो। और बेटा, इतने बड़े खेल के लिए छोटा मोटा रिस्क तो लेना ही पड़ेगा ना हमें।